जींद और रोहतक में हुई रैलियों पर आम लोगों के साथ साथ तमाम सियासी निगाहें भी टिकी हुई थी। रैलियों के लिए बीते लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। रैली से पहले ही रैलियों को लेकर खूब सियासी संग्राम भी हुआ था। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे कि रैलियों के दिन सूबे के हालात एक बार फिर खराब हो सकते हैं। यही वजह थी कि रैलियों के लिए सरकार ने सुरक्षा समेत तमाम पुख्ता बंदोबस्त किए थे। रैली वाली दोनों जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब होने की आशंकाओं के चलते सरकार ने नेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी थी। कई इलाकों में तो धारा 144 भी लगाई गई थी। सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया था कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों की हालत खराब कर दी जाएगी। आलम ये था कि दोनों रैली स्थलों के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे और उसी का नतीजा ये रहा कि प्रदेश में हुई दोनों रैलियां शांतिपूर्ण ढंग से निपट गई और इसी के साथ सरकार ने भी राहत की सांस ली है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।